नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, देखिए यहाँ पर टेंटेटिव डेट जारी कर दिया गया है, टेंटेटिव डेट का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जाम जो 2018 से पेंडिंग थे उनके कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं कि कब कब होने की संभावना है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो ये एग्जाम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए RSM SSB वाला जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसमें यहाँ पे स्टेनोग्राफर और पटवारी का भी एग्जाम डेट डिक्लेयर किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए क्योंकि अभी तो यहाँ पे टाइम है, क्योंकि अभी RSM SSB स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है दोस्तों वहाँ पे अभी फिर से एक बार उसको रीओपन किया जाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम तिथि और कैलेंडर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आज की न्यूज है, 26 तारीख को अपडेट किया गया, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी माह में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का संभावित यानी टेंटेटिव डेट है, नॉट की फिक्स किया गया है। अगर सब कुछ सामान्य रहा, सारी स्थितियां जैसे कोरोना का संकट सब सामान्य रहा तो ये एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका टेंटेटिव डेट पहले भी आया था लेकिन फिलहाल अभी महामारी की वजह से एग्जाम नहीं हो पाया। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, कौन कौन से है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी आई थी 2018 की, ये एग्ज़ाम होगा आपका, संभावित तिथि है इसका 19 सितंबर में, ठीक है, 19 सितंबर को होगा। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर का सबसे लास्ट में दिया गया है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की जो है वो आपका 4 अक्टूबर को होगा। और यहाँ पर अन्वेषण एग्रीकल्चर जो सीधी भर्ती आई थी 2019 की वो होगा 10 अक्टूबर को। अनुदेशक कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान सीधी भर्ती जो आई थी 2018 वाली वो होगा आपका 11 अक्टूबर को। और यहाँ पे देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ सहायक सिविल डिग्री धारक, जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी से जो वैकेंसी आई थी वो होगा आपका 5 दिसंबर को। वहीं राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ अभियंता के लिए जो वैकेंसी आई थी वो भी 5 दिसंबर को संभावित है। और यहाँ पे राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता के लिए जो वैकेंसी आई थी वहाँ पर होगा ये 6 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे दिया गया कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक राजस्थान कृषि राज्य विपणन बोर्ड के लिए जो था वो होगा आपका 26 दिसंबर को। और यहाँ पे 27 दिसंबर को होगा आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए डिप्लोमा डिग्री धारक, उसका एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 27/12 को। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन विभाग के जो है वो होगा 9 जनवरी 2021 में होगा। अभी तक जितने हमने बताया वो सब 2020 की थी, अब यहाँ पे 2021 की बात चल रही है। 2021 में होगी आपका जल संसाधन। और हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो है यहाँ पर 14 नंबर और 13 नंबर, पटवारी सीधी भर्ती और शीघ्र लिपि स्टेनोग्राफर की भर्ती। उससे पहले यहाँ पर देखिए भैया जन स्वास्थ्य अभियंत्र की 11 नंबर आप अगर आप देखेंगे तो यहां पे दिया गया है ये आपका एग्जाम होगा 16 जनवरी को, ठीक है। वहीं पे जन स्वास्थ्य विद्युत डिप्लोमा धारक जो है ये होगा आपका 17 जनवरी को। और पटवारी सीधी भर्ती, ठीक है, जिसका फॉर्म आया था 2019 में, इसका एग्जाम होगा आपका 28 फरवरी को। तो अभी आपके पास टाइम है और आप लोग तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे नेक्स्ट 14 नंबर पे जो दिया गया है शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती, ठीक है, इसकी वैकेंसी आई थी दोस्तों 2018 में और 2019 मई में इसका टेंटेटिव एग्जाम भी आया था लेकिन किसी कारण से एग्जाम नहीं हो पाया था। उसके बाद से ये वैकेंसी पेंडिंग में थी, उसमें फिर EWS को लेकर कुछ मुद्दा चल रहा था कि EWS के हिसाब से वैकेंसी को रिवाइज़ किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने के इच्छुक हैं और अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वैकेंसी को फिर से रिवाइज़ किया जाएगा इस आने वाले जुलाई माह में, यानी कि फिर से इसको रीओपन किया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी और इस पर क्राइटेरिया क्या है, इस सब पर हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा है तो हमने बेसिक शॉर्ट हैंड कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, अभी हमारा 14-15 दिन हुआ स्टार्ट करते हुए। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टेनो गुरु जी के नाम से है, वहाँ पे आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ट्यूटोरियल है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। मात्र 3 महीने में हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे और आपकी 80 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डेट दिया गया है ये स्टेनोग्राफर के लिए वो दिया गया आपका 21 अप्रैल को दिया गया, ठीक है, सॉरी 21 मार्च को दिया गया है। यहाँ पे 21 मार्च को संभावित तिथि दिया गया है, तो आई होप कि 21 मार्च को हो सकता है, तब तक स्थिति सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और यहाँ पे 21 मार्च के लिए जो दोस्तों दिया गया है तो आप लोग तैयार रहिए।
और जिन्होंने पिछली बार फॉर्म डाला है उन्हें फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन्होंने नहीं डाला है अगर वो चाहते हैं फॉर्म डालना तो वो डाल सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यही कुछ टेंटेटिव डेट थी। यहाँ पे देखिए उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम तथा समय जारी कर दिया जाएगा। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, को नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। वैसे दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो हम सारे लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना, सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करके और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी उसमें ग्रेड 10 दिया जाएगा आपको, जो पे लेवल होगा वो 10 रहेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों बस इतनी ही अपडेट आई थी आयोग की तरफ से। आयोग की वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग बेहतर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।